तो क्या गाइस आप भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए या पोस्ट के लिए एक क्रिएटिव प्रकार की पोस्ट या फिर स्टोरी तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें इंस्टाग्राम पर आप क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे इमेज सर्च करनी पड़ती है, जिस सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी एक स्टोरी बनती है जिसमें बहुत आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप किस प्रकार से एक क्रिएटिव स्टोरी किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं जो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, और आप एक आकर्षक यानी कि एक सुंदर एक स्टोरी क्रिएट कर पाएंगे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए या फिर स्टोरी के लिए। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार से आप उस इंस्टाग्राम स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं एकदम आकर्षक तरीके से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक क्रिएटिव स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐप है जिसका नाम है स्टोरी लैब, जिसको आपको सिंपली से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो ये वैसे तो यहाँ पर ये पेड वर्जन में है, यानी कि आप इसको पैसे देकर यूज करते हैं, मगर इसमें कई ऐसे टेम्पलेट है जिससे आप फ्री में भी अपनी स्टोरी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर तीन ऑप्शन दिखते हैं आपको, स्टोरी पोस्ट और हाईलाइट। तो यदि आप पोस्ट के लिए एक पोस्ट तैयार करना चाहते हैं तो पोस्ट भी तैयार कर सकते हैं, और स्टोरी तैयार करना चाहते हैं तो स्टोरी भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी ऐसी टेम्पलेटें आ चुकी है, यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट है जिनको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपने लिए एक स्टोरी तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी ये है पहली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें आपको सिंपली से करना क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ बीच के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर से आपको अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर से मैं एक फ़ोटो इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और दूसरे पे भी टैप इसको डन कर देते हैं, और दूसरे पे भी मैं पहले एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से मैं एक और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहें वैसे उस प्रकार से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को। यहाँ से बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फ़िल्टर देखने को मिल जाते हैं, फ़िल्टर में भी आपको बहुत सारे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मिनिमल, बाली, काफ़ी प्रकार के भी फ़िल्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके अनुसार आप यहाँ पर फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप बैकग्राउंड कलर करना चाहें वो यहाँ पर से कलर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास और भी काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन आपको बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे फ्री के अंदर, जैसे जो भी इसमें जिनमें से डायमंड का चिन्ह बना हुआ है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन ले। तो यहाँ पर से मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर से आप कोई भी स्टिकर लगाना चाहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फूल पत्ती का स्टिकर है, और भी काफ़ी आपको इमोजी है जो लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं अपने, और भी स्टिकर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे एकदम फ्री है बिल्कुल, तो इनको डाउनलोड करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, डन कर देता हूँ, और भी यहाँ पर आप म्यूजिक ऐड करना चाहें तो म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको आपको सेव करना है तो यहाँ पर एक डाउनलोड का टाइप चिन्ह है, वहाँ पर से क्लिक करना है, और यहाँ पर कर देना है सेव टू एल्बम। सेव टू एल्बम पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका एल्बम यानी आपकी गैलरी के अंदर यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। तो आई होप सो गाइस आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम के लिए एक क्रिएटिव स्टोरी तैयार कर सकते हैं जो भी आसान स्टेपों में। तो यदि आपको ये ऐप डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।